हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अभी एग्ज़ाम हुई है रेलवे ग्रुप डी की और ALP की, और जो दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हुई है और यूपी में भी कुछ एग्ज़ाम हुई है, यानी कि 2018 में जो एग्ज़ाम हुई है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, वो सबसे मिलकर हमने मिलाकर एक 100 क्वेश्चन का सीरीज तैयार किया है। ये जो 100 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है SSC GD के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है GD में आने की बहुत संभावना है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दो नंबर क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये यहाँ ब्रिटेन होगा, थोड़ा गलत हो गया है, ब्रिटेन इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये एजिंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। नेक्स्ट है, नेत्रदान में रोगी ने किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? रोगी में किस का प्रतिरोपण किया जाता है? तो ये कार्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रांत को क्या कहा जाता था? तो इसे मंडलम भी कहा जाता था, चोल प्रांत को। अगला है, द बेटर मैन किसकी रचना है? तो ये अनीता नायर की रचना है, द बेटर मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी दशाओं में मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 72 के तहत ये किसी भी अपराधी की क्षमा को माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है और फांसी की सज़ा को भी रोक सकता है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचने हेतु बस से यात्रा की थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का 2018 में मृत्यु हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल, जल से ही ऑक्सीजन प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो जी शंकर कुरूप को, पुरुष में, और महिला को बोला जाए तो आशा पूर्णा देवी को। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उर्वशी। नेक्स्ट है, गुलामगिरी की रचना किसने की थी? गुलामगिरी एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किस धातु का होता है? तो ये चांदी का होता है, और चांदी जो है राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, अकबर का वजीर कौन था? तो ये बीरबल था। अगला है, द सर्किल ऑफ रीजन किसकी रचना है? तो अमिताभ घोष की रचना है, द सर्किल ऑफ रीजन, अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में स्थित है? दावोस जो है वो किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है दावोस शहर। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, बाघा किन दो देशों के बीच का सीमा रेखा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा है, बाघा बॉर्डर। ये काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ टूरिस्ट लोग भी आते हैं घूमने के लिए। बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। नेक्स्ट है, किस सम्राट के काल में पेशावर ब्रिहू सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये कनिष्क के समय में था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है पाचन का भाग अधिकांश, और पाचन जो है मुख से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोकने का क्या सबसे बड़ा उपाय है? तो वन रोपण से मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो ये जागीर भूमि कहलाती थी, ये सल्तनत काल की बात हो रही है। नेक्स्ट है, पासीघाट किस राज्य का पर्यटन स्थल है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल है पासीघाट।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन आपात की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1962 में की गई थी भारत चीन युद्ध के समय। नेक्स्ट है तो धातु के प्रकाशीय गुणों की अध्ययन करने में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोलरॉइड का अध्ययन किया जा पोलरॉइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड विनीथ फिट बैडमिंटन के किस कोच की जीवनी कथा है? तो ये पुलेला गोपीचंद की जीवन कथा है, ये आपको याद रखना है, ये पीवी सिंधु के कोच भी हैं। नेक्स्ट है लोकसभा सचिव किसके अधीन कार्य करते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 दिसंबर 1997। ठीक है। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट है लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये पीला रंग बनता है। नेक्स्ट है बर्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध है बर्ड मैन के नाम से। ये जो है भारतीय पक्षी विज्ञान वैज्ञानिक और प्रकृतिवाद है। नेक्स्ट है भारत में पाए जाने वाले लोहे मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो ये हेमेटाइट प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित है, ये देश है सीरिया, सीरिया में स्थित है, सीरिया का राजधानी दमिश्क है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है पाप से डरो पापी से नहीं यह किसका उक्ति था, यानी ये किसका कथन था? तो ये महात्मा गांधी का उक्ति था कि पाप से डरो पापी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरे विले आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये पांडिचेरी में स्थित है और अरविंदो घोष ने इसे इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है जिस नगर की आबादी 3 लाख से या उससे अधिक है वहाँ किस समिति का गठन किया जाता है? तो वार्ड समिति यानी कि वार्ड परिषद भी कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा गैस वायुमंडल को सर्वाधिक प्रदूषित करता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि मोटर वाहन ये सबसे निकलती है। नेक्स्ट है विभिन्न संघीय आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है पहिया बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था पहिए बनाना था। और आग जलाना जो है मानव ने सीखा था पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है तांबे के सिक्के सर्वाधिक किस वंश के शासकों ने जारी किया था? तो ये कुषाण शासकों ने जारी किया था और सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है प्रथम बार मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था? तो पाथफाइंडर उतरा था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 5 वर्षों के लिए की जाती है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गाइड किसकी रचना है? तो आर के नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है और विधान परिषद में न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 ईयर होती है और विधान परिषद में 30 साल और विधानसभा में 25 साल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह की नियंत्रण वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो ये खालसा भूमि कहलाती थी। तो यहाँ 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं कार्बन डेटिंग से किसकी आयु निर्धारित की जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है कार्बन डेटिंग से। और रेडियो डेटिंग से किसके आयु की निर्धारण करते हैं ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है 6ठी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये जो है 1980 में की गई थी और पंचवर्षीय योजना फर्स्ट जो है वो 1951 से 1956 तक चली थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो 2 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्वचालित इंजनों में से किसे हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर
भारित होता है तो राज्य की संचित निधि पर होती है, राज्य का लोक सेवा है तो राज्य के संचित निधि पर होता है। नेक्स्ट है, सूर्य से चौथा कम दूरस्थ ग्रह कौन है, यानी कि सूर्य से चौथा ग्रह कौन है दूरी के अनुसार, तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह, और पहला जो है वो बुध है। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का, और इसी का उल्टा हो जाता है लाल रंग। लाल रंग का जो है कांच में प्रकाश में चाल सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था, तो ये दिसंबर 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा घर में त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये पोलराइड चश्मा का उपयोग किया जाता है 3D पिक्चर या फिल्म देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का प्रथम तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया है, तो ये कोलकाता में किया गया है। ठीक है, कोलकाता में किया गया है तैरता हुआ होटल। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो B.S. मिन्हास। नेक्स्ट है, दुनिया में घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है, तो सिकंदर लोदी, और लोदी वंश का प्रथम शासक कौन है, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्यसभा का कौन पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है, तो ये पातालीय अग्नि चट्टानों में की जाती है ग्रेनाइट की। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, तो अवधी भाषा में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थी, तो यह ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थी चोल शासक। नेक्स्ट है, किस पशु के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, तो रेंडियर के दूध में पाई जाती है सबसे अधिक वसा। अगला है, प्याज व लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है, तो ये सल्फर के कारण होती है, प्याज और लहसुन में सल्फर के कारण गंध होती है। नेक्स्ट है, किसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण करने में। अगला है, विधि किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, ठीक है, विधि, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है विधि, और कुचिपुड़ी भी जो है वो आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्षों की होती है, तो 9 वर्षों की होती है। अगला है, भारत के स्कूल टीवी का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया, तो 24 अक्टूबर 1961 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, 80 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किस करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे, तो ये नागार्जुन थे। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस जनजाति ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, तो मीना जनजाति ने भाग लिया था, राजस्थान का काफ़ी फेमस जनजाति है मीना। नेक्स्ट है, केंद्र में अधिकांशता क्या पाया जाता है, तो DNA पाया जाता है केंद्रक में। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो ये 7 ग्रहण हो सकते हैं, एक वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, गाय तथा भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोक्सिन की हार्मोन लगाई जाती है। नेक्स्ट है, इसे अभी बैन भी कर दिया गया है, लेकिन ये कुछ राज्यों में अभी भी बैन नहीं किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, तो ये परमेली पर
मेलिया से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई थी? तो ये 2378 करोड़ याद रखना है। नेक्स्ट है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है? तो ये अनुच्छेद 123 में निहित है, और राज्यपाल को अगर कहा जाए तो 213 में। ठीक है, नेक्स्ट है, लिटमस एक प्राव मतिक रंजक है, यह किससे प्राप्त होती है? तो लाइकेन से प्राप्त होती है, लिटमस लाइकेन से। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन राशि निकाल सकता है? तो ये राष्ट्रपति निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 नंबर, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 23 दिसंबर 1993 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। इस पे अभी एक मूवी भी आने वाली है, मणिकर्णिका। नेक्स्ट है, जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन कब आरंभ की गई थी? तो ये 3 दिसंबर 2005 को प्रारंभ की गई थी, जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरीकरण मिशन। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम खनिज नीति कब अपनाई गई थी? ठीक है, भारत में खनिज नीति कब अपनाई गई थी या घोषित की गई थी? तो ये 1961 को की गई थी। नेक्स्ट है, मिरांडा किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, मिरांडा किस ग्रह का उपग्रह है? तो यूरेनस यानी कि अरुण का। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद किसकी इकाई है? तो एक संवैधानिक इकाई है। ठीक है, ये कैसी इकाई है? तो एक संवैधानिक इकाई है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो ये कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 2 वर्षों के लिए किया जाता है, यहाँ 2 छूट गया था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो 12 वर्षों के अंतराल में। ये कहीं भी जो कुंभ मेला लगता है वो 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 99 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी? तो गुरु अमरदास ने की थी। ठीक है, और अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर, और हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है, भारत में स्वजल धारा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था स्वजल धारा। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों हमारे 100 प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आशा करता हूँ दोस्तों कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हम लाते ही रहते हैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।